न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी बच्चों का स्वागत है। कल हमने हिंदी शब्द का पूरा व्याख्यान पढ़ा था कि हिंदी में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। उसके पहले हमने वर्णमाला पूरी कंप्लीट कर रखी है। वर्णमाला की हमने 7 वीडियो प्रोवाइड की हैं, उन 7 वीडियो में पूरी वर्णमाला कंप्लीट कर दी है। उनकी प्लेलिस्ट हमारी चैनल पर डली हुई, तो जिनने वर्णमाला नहीं पढ़ी तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। एक कंप्लीट वीडियो है आपकी 1 घंटे की, जिसमें संपूर्ण वर्णमाला है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद वर्ण के बाद हमने पढ़ा था शब्द। हिंदी शब्द संपदा हमारी चल रही है। हिंदी शब्द में 2 प्रकार के मुख्य शब्द हमने कल बताए थे, निरर्थक और सार्थक। जो सार्थक शब्द थे उनके 4 प्रकार हमने कल पढ़े थे। जो सार्थक शब्द हैं उनके 4 प्रकार हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। तो आज की वीडियो में पढ़ना है हमें रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर हमने कल जो था पूरा डिटेल बताई थी, पूरी लिस्ट बनवा दी थी कौन कौन से शब्द होते हैं। आज हम 1 by 1 करके जितने भी शब्द होते हैं एक एक शब्द को डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो रचना के आधार पर हम शब्दों को समझते हैं। रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। 3 प्रकार की रचना के आधार पर शब्द माने जाते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ एक निश्चित अर्थ में प्रयोग, ठीक है, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ में प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द जो निश्चित अर्थ में प्रयोग होते हैं, इनका कोई भी सार्थक विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? इनका किसी भी प्रकार का सार्थक विभाजन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं ये अपने मूल रूप में होते हैं और इनकी किसी से भी उत्पत्ति नहीं होती है कि इनसे इस शब्द से उत्पत्ति हुई, इस भाषा से उत्पत्ति हुई, इनकी कहीं से भी उत्पत्ति नहीं होती। ये अपने मूल शब्द में होते हैं और इनका सार्थक विभाजन नहीं होता है। जैसे नाक, कान, गला, लाल, काला, पीला, इनका क्या होगा? इनका ना तो संधि विच्छेद होगा ना समास विग्रह होगा। इनका सार्थक विभाजन नहीं होता है, ये अपने मूल रूप में होते हैं और एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे होते हैं जिसका सार्थक विभाजन होता है, जिसका क्या होता है? सार्थक विभाजन होता है। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, इसका क्या है? सार्थक विभाजन होता है। तो जो यौगिक शब्द होते हैं उनका प्रयोग कैसे रूप में किया जाता है? उनका प्रयोग या तो उनके, देखो उनमें संधि भी बन जाती है यौगिक शब्द में, उनका समास भी बन जाता है, वो प्रत्यय से भी बन जाते हैं, वो उपसर्ग से भी बन जाते हैं। तो जो हमारे यौगिक शब्द हैं वो 4 प्रकार से बनते हैं, संधि के द्वारा, समास के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और उपसर्ग के द्वारा, ठीक है। इनका एक सार्थक विभाजन होता है। जैसे अपना ये लिखा हुआ है यौगिक शब्द, 2 सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास तथा उपसर्ग और प्रत्यय लगने से होती है, जैसे विद्या धन आलय। फिर तीसरा जो है अपना वो है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपना खुद का सामान्य अर्थ छोड़ करके, जो उनका अर्थ है ना, जो भी शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का वास्तविक और रियलिटी में जो अर्थ है उसका वास्तविक जो अर्थ है उस अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को दर्शाता है ना। तो जो अपना अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को दर्शाएगा तो वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें आपके बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण आ जाएंगे। जैसे कि हम कहें पंकज, जैसे कि हम क्या कहते हैं? पंकज। तो पंकज यानी कि पंक धन जा, ठीक है। पंक मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो पंकज का जो सामान्य अर्थ है, पंकज शब्द का जो अर्थ है वो होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका जो विशिष्ट अर्थ है वो है कमल। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है, लेकिन पंकज का मतलब कमल नहीं होता। पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन प्राचीन काल से उसको ऐसा जोड़ा गया है, हमारी परंपरा के अनुसार पंकज को जो है कि कमल से जोड़ा गया है। तो कमल जो पंकज है इसका विशिष्ट अर्थ कमल से जोड़ा गया है ना। तो एक तरीके से अर्थ निकाला गया है कि पंकज का कमल होगा, लेकिन पंकज का मतलब कमल नहीं होता बिल्कुल भी। पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन इसका जो विशिष्ट अर्थ है वो है कमल। तो इस तरीके से जो शब्द आते हैं सारे वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके किसी विशिष्ट अर्थ को बताते हैं, जैसे पंकज यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है, लेकिन इसका कोई, इसका जो विशेष अर्थ है वो कमल ही होता है। तो ये हमारे आज का क्या हो गया, ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने आज रचना के आधार पर, ठीक है, ये वाला टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। कल पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द और लाइन से एक एक करके इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमने वर्ण अभी बताया, वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो चुकी है, शब्द भी बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। शब्द के बाद
हम पढ़ेंगे वाक्य, ठीक है। वाक्यों के बाद हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। तो हिंदी में आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप छोटी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप छोटी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी हिंदी की क्लासेस आपकी सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप कहीं पर भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी आना, तो उसमें आप इन क्लासों के नोट्स बना सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उस प्लेलिस्ट से नंबर बाई नंबर आप लाइन से पूरे नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्लासें टाइम से आपको मिल जाएंगी, आप उसके नोट्स बना लो।